नमस्कार, डेली न्यूज 360.com की ओर से पेश है त्रिपुरा की बड़ी खबर। भाजपा ने त्रिपुरा प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष टीकू राय को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में 51 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी इंडिजेंस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT शेष 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा उम्मीदवारों की सूची घोषित होने के बाद उस समय कुछ असंतोष भी उभर कर सामने आया, जब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुवल भौमिक ने सोनामुड़ा सीट से टिकट दिए जाने पर नाखुशी जताई और कहा कि वह पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे लेकिन सोनामुड़ा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा सोमवार को चार्टर विमान से यहां पहुंचे और भौमिक एवं राय को बुलाकर उन्हें आवंटित सीटों से चुनाव लड़ने के लिए समझाया। इसके बाद दोनों नेताओं को गुवाहाटी ले जाया गया है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें आवंटित सीटों से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया तथा उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही। अंततः भौमिक ने सोनामुड़ा से चुनाव लड़ने की सहमति जताई। दूसरी तरफ राय अब कदम तला कुर्थी सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। धन्यवाद।